बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। इस शो में हम आपको बताते हैं बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही सोमवार के लिए स्ट्रेटजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। नमस्कार, मैं हूं स्वाति रायना। तो सबसे पहले देख लेते हैं आज बाजार में कैसा रहा कारोबार। आज शानदार तेजी बाजार में देखने को मिली। निफ्टी ने 12,300 का नया रिकॉर्ड हाई छुआ और उसके बाद बाजार में ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली देखने को मिली। हालांकि करीब 4.5% की बढ़त के साथ निफ्टी 12,250 के ऊपर बंद हुआ। वहीं निफ्टी बैंक में भी ऊपरी स्तरों से कमजोरी देखने को मिली और आज 32,100 के नीचे बंद हुआ। ऑटो और मेटल शेयरों ने खास तौर पर बाजार को आज सपोर्ट देने का काम किया। चलिए अब रुक करते हैं बाजार पर एडिटर स्टेक का। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। आज बाजार ने नया रिकॉर्ड बनाया और निफ्टी पहली बार 12,300 के पार निकला। हालांकि ऊपर स्तरों से मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिली। कैसे देखते हैं आज के सत्र को और आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए? शानदार तेजी के संकेत तो बाजार को कल ही मिल गए थे जब दुनिया भर में तनाव कम हुआ और इसी के चलते आज बाजार ने शुरुआत दमदार की। लेकिन आज ट्रेडिंग सेशन थोड़ा ऊपर नीचे उतार चढ़ाव वाला था। मजबूत खुलने के बाद थोड़े फिसले भी और फिसलने के बाद फिर से रिकॉर्ड हाई बनाते हुए भी दिखे। इतिहास में पहली बार निफ्ट 12,300 के पार निकला। हालांकि आखिरी घंटे में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई क्योंकि फिर से थोड़ा सा डर है कि दुनिया में तनाव बढ़ रहा है। कुछ खबरें छोटी मोटी आ रही थी और आज वीकेंड सेशन ये था, इस वजह से भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई। लोगों को हल्का सा डर है कि भाई दो दिन की टेंशन क्यों रखें, इतनी पोजीशन कम रखें तो बेहतर है। तो शायद आज वेट एंड वॉच वाला माहौल था, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से बाजार बंद हुए, खराब तो बिल्कुल भी नहीं है। एक चीज साफ दिख रही है, हर गिरावट पे लोग खरीदारी करने को तैयार है। थोड़ा सा भी टेंशन कम होगा, खरीदारी आ जाएगी और ऐसे में आपको तेजी के मूड माहौल में रहना है, बशर्ते कि अगले दो दिनों में जब सोमवार को हम फिर से लौटें कोई ऐसी खराब खबर अगर दुनिया भर के बाजारों से सुनने को ना मिले, ईरान अमेरिका के बीच में कोई तनाव ना हो, तो फिर एक और लाइफ टाइम हाई के लिए तैयार हो जाइए सोमवार को। तो मोमेंटम मजबूत है, पैसा बाजार में आ रहा है, स्टॉक्स में तेजी हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस ग्लोबल मार्केट्स और ग्लोबल टेंशन ना हो, इतना ही काफी है। जी बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए सोमवार के लिए, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जॉइंडर कैपिटल के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी बहुत स्वागत है, साथ ही हमारी पूरी रिसर्च टीम कुशल गुप्ता, दीपांशु भंडारी, आशी चतुर्वेदी, देवांशी आशर और सृष्टि शर्मा। अविनाश जी सबसे पहले यही, बाजार ने नया रिकॉर्ड छुआ, निफ्टी पहली बार 12,300 के पार निकला, अभी क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी हो? बाजार निचले स्तरों से खरीदारी के मौके मिल रहे हैं या फिर आपको लगता है कि करेक्शन आ सकता है? मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में तेजी कंटिन्यूसली रहेगी। हालांकि आज एंड सेशन में निफ्टी का जो हाई बनने के बाद थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली जरूर आई है। हमको लग रहा है कि आने वाले हफ्ते में रिजल्ट सीजन मोमेंटम में रहेंगे और ज़्यादातर स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी जारी रहेगी। बट जिस प्रकार से लिक्विडिटी फ्लोज आ रहे हैं और जिस प्रकार से यूएस चाइना का ट्रेड वॉर और टिपिकली ये जो जियोपॉलिटिकल रिस्क कम हो रहे हैं, हमको लग रहा है कि मार्केट्स में तेजी का माहौल कंटिन्यूसली रहेगा और आने वाले हफ्ते में कोई भी अगर गिरावट का मौका मिलता है तो उसको एक बाय ऑन डिक्लाइन का अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए। मुझे लग रहा है कि मार्केट्स डेफिनेटली एक अच्छे मोड में है और आगे भी बढ़ने की क्षमता रखते हैं और कॉर्पोरेट रिजल्ट्स पे सबका फोकस रहेगा। बिल्कुल, नतीजों का सीजन है, कॉर्पोरेट रिजल्ट पर बाजार की नजर और एक पॉजिटिव रुख रखते हुए अविनाश जी मार्केट की तरफ तो सोमवार को एक पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है और रिजल्ट सीजन है और इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आज खासतौर पर किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला ये आप जानते हैं। हमारे साथ हैं अब दीपांशु भंडारी। दीपांशु, आज बाजार में खबरों के चलते कहां पर कैसा एक्शन दिखा है ये बताएं। शानदार दिन रहा भारतीय बाजारों के लिए। इंट्राडे लेवल पे मार्केट ने एक बार फिर से नया रिकॉर्ड हाई बनाया, दिसंबर 20 के बाद नया रिकॉर्ड बनाया और निफ्टी पहली बार इंट्राडे लेवल में 12,300 के ऊपर भी गया। अगर एक्शन वाले स्टॉक्स की बात करें तो बिग विनर्स आज के थे कोल इंडिया,
इंफोसिस, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया और ITC में भी आज थोड़ा पार्टिसिपेशन देखने को मिला। इसके अलावा ऑटो स्टॉक्स में अच्छी तेजी थी, टाटा मोटर्स, मारुति, M&M तीनों ही स्टॉक्स में अच्छी बढ़त देखने को मिली। मेटल स्टॉक्स एक बार फिर से अच्छा प्रदर्शन रहा, यहाँ पे टाटा स्टील देख लीजिए, वेदांता, इसके अलावा सेल और हिंदुस्तान जिंक के भी अच्छे प्रदर्शन रहा। रियल एस्टेट स्टॉक्स टॉप सेक्टोरल गेनर था आज रियल एस्टेट, इसमें अगर आप प्रेस्टीज एस्टेट्स को देखें, ओबरॉय रियल्टी, DLF, शोभा, सारी अच्छे रियल एस्टेट स्टॉक्स आज एक्शन में रहे। इसके अलावा सीमेंट स्टॉक्स में एक बार फिर से तेजी देखने को मिली, ACC, अंबुजा, अल्ट्राटेक और श्री सीमेंट, चारों में ही अच्छी बढ़त थी। कुछ मिड कैप स्टॉक्स की बात करें तो एल्केम लेबोरेटरीज में अच्छी तेजी आई, बजाज इलेक्ट्रिक्स का अच्छा प्रदर्शन रहा, वेल्सपेन कॉप और KNR कंस्ट्रक्शन दोनों में ही अच्छी बढ़त देखने को मिली। बैंक्स के लिए आज उतना अच्छा दिन नहीं था और कुछ प्राइवेट बैंक्स में वीकनेस देखने को मिली, येस बैंक, RBL बैंक, इंडसइंड बैंक और ICICI बैंक, चारों में ही गिरावट थी। जी जी बहुत शुक्रिया दीपांशु ये पूरी जानकारी देने के लिए हमें। इनफैक्ट अविनाश जी यहाँ पर हमने यस बैंक को लेकर काफी ज्यादा, इनफैक्ट मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि सोमवार को यहाँ पर सबसे ज्यादा नजर देखने को मिलेगी। रीजन जो न्यूज आज आई है, यस बैंक को 10,000 करोड़ रुपए जुटाने को बोर्ड ने मंजूरी दी है। अब इस खबर के दम पर मार्केट सोमवार को कैसे रिएक्ट करेगा और क्या लगता है आपको, खरीदारी के मौके बन रहे हैं या फिर वेट एंड वॉच की स्थिति अभी अपनानी चाहिए? मुझे लग रहा है कि आई थिंक येस बैंक की बोर्ड मीटिंग के बाद जो अनाउंसमेंट आया है वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि मार्केट्स उम्मीद लगा रही थी कि काफ़ी बड़ी अमाउंट यू नो येस बैंक मार्केट से यू नो जुटाएगा, बट आई थिंक 10,000 करोड़ का अमाउंट उन्होंने बोला है इक्विटी और डेट से उठाएंगे। मुझे लग रहा है कि मार्केट्स इस बात से डेफिनेटली यू नो उत्साहित नहीं होगी और हो सकता है कि शेयर में और थोड़ी गिरावट हो। इसका कारण ये है कि इस भाव पे अगर वो यू नो इशू करते हैं तो मुझे लग रहा है कि बुक वैल्यू में काफ़ी डाइल्यूशन होने की पॉसिबिलिटी है, प्लस जो बड़ा इन्वेस्टर था एरविन सिंह वहाँ पे भी वो ऑफर कैंसिल हो चुका है। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में चिंता रहेगी कि आने वाले 2 से 3 महीनों में जो बैलेंस पैसा इनको चाहिए वो कितना जल्दी इनको मिलेगा। तो मेरे ख्याल से निवेशकों को ये बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है और आगे आने वाले हफ्ते में तो मुझे लग रहा है कि और काफ़ी कटाई स्टॉक प्राइस से करंट लेवल से दिख सकती है। ओके, इनफैक्ट सोमवार के लिए खास तौर पर अगर किसी को ट्रेड लेना हो अविनाश जी, क्योंकि रिजल्ट सीजन भी हम देख रहे हैं और कई स्टॉक्स पर खास तौर पर नजर भी रहेगी, तो आपकी इंट्राडे पिक सोमवार के लिए कौन सी रहेगी? इनफैक्ट इंट्राडे पिक स्वाति हमको ऑटो सेक्टर में महिंद्रा एंड महिंद्रा पसंद है। हमको लग रहा है कि यहाँ पे ऑटो सेक्टर में अच्छी टर्न अराउंड साइंस दिख रहे हैं, इन्वेंट्री भी कम हो रही है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा एक इंट्राडे पिक के पॉइंट ऑफ व्यू से मंडे को खरीदा जा सकता है। करीबन 565 का हमारा टारगेट रहेगा और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 536 रहेगा, तो ये पॉइंटर्स लेके इंट्राडे में यहाँ पे काम किया जा सकता है। ओके, तो इंट्राडे पिक के तौर पर सोमवार को अगर कोई खरीदारी करनी है तो M&M मतलब महिंद्रा एंड महिंद्रा में खरीदारी की सलाह दे रहे अविनाश जी। चलिए अब नजर डाल लेते हैं FIIs और DIIs के डेटा पर। FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 578 करोड़ रुपए की खरीदारी की है, वहीं DIIs ने आज 251 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। तो नतीजों का सीजन शुरू हुआ और इंफोसिस ने भी अपने तीसरी तिमाही के नतीजे पेश किए। कैसे रहे नतीजे, विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ है रिसर्च एनालिस्ट कुशल गुप्ता। कुशल, इंफोसिस के नतीजे कैसे रहे हैं बताएं। जी, तो इंफोसिस के नंबर्स जो हैं वो हमारे अनुमान के हिसाब से ही आते हुए नज़र आए हैं, जो तीसरी तिमाही के नंबर्स इन्होंने घोषित किए हैं। इनफैक्ट अगर आप इनकी डॉलर आय देखेंगे तो वहाँ पे हम अनुमान करके चल रहे थे करीब 1.2 से 1.4% तक की डॉलर आय हो सकती है। कंपनी ने 1% की डॉलर आय रिपोर्ट की है। इसके अलावा अगर नंबर्स में देखें तो वहाँ पे मार्जिन्स देखिए 21.7 से पढ़कर 21.9% के मार्जिन कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। अनुमान था 22.4% का, तो मार्जिन्स के लिहाज से थोड़ी सी कम आई है हमारे अनुमान से। पर अगर आप मुनाफा देखेंगे तो वहां पे आप देखिए 4457 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। हालांकि इसमें जो अन्य आय का कंपोनेंट है वो भी जुड़ा हुआ है, करीब 200 करोड़ रुपए की बढ़त इनके अन्य आय में देखी गई है, पर ओवरऑल नंबर्स के लिहाज से अनुमान के हिसाब से ही दिख रहे हैं। पर आपको दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट इसमें नोट करनी है। कंपनी ने अपनी जो रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस है उसको
9-10% पहले था बढ़ाकर 10-10.5% कर दिया है, तो वहां पे काफी पॉजिटिव कमेंट्री आती हुई नजर आई है। और साथ ही जो विसल ब्लोअर मामले पे जो ऑडिट कमेटी जांच कर रही थी, वहां पर ऑडिट कमेटी की तरफ से ये क्लियरेंस आ गया है कि कहीं भी मैनेजमेंट ने कोई भी मिसकंडक्ट नहीं किया है और साथ साथ कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ी नहीं पाई गई है, किसी की तरफ से भी ये गड़बड़ियां नहीं की गई हैं। तो ये जो दो क्लैरिफिकेशंस आए हैं, एक तो रेवेन्यू गाइडेंस बढ़ाना और साथ साथ ऑडिट कमेटी की जो रिपोर्ट आई है इन्वेस्टिगेशन पर, वो डेफिनेटली इन्फोसिस के लिए पॉजिटिव साबित हो सकते हैं। जी कुशल, हमारे साथ बने रहिए क्योंकि एक और दिग्गज आईटी कंपनी विप्रो के नतीजे सोमवार को आएंगे। वीकेंड पर भी काफी नतीजे हम देखेंगे, खासतौर पर डीमार्ट के नतीजे आएंगे वीकेंड पर। लेकिन उससे पहले इन्फोसिस पर खास राय में अविनाश जी आपसे जानना चाहूंगी। नतीजे तो आ गए, लेकिन अब इन नतीजों के दम पर सोमवार को क्या करना चाहिए? मुझे लग रहा है कि नतीजे डेफिनेटली उम्मीद के हिसाब से आए हैं, लेकिन जो दो इम्पॉर्टेंट बातें हुई है, एक तो विसल ब्लोअर का मामला अभी पूरी तरह से क्लियर हो गया है और जो रेवेन्यू गाइडेंस बढ़ा है, इससे उम्मीद है कि आने वाले क्वार्टर दैट इज जैन टू मार्च के क्वार्टर में डेफिनेटली अर्निंग्स एज वेल एज जो मार्जिन है वहां पे और इजाफा होने की उम्मीद रहेगी। प्लस रुपया का जो करेंसी का इम्पैक्ट है उसको भी मार्केट पॉजिटिवली लेगी। हालांकि मार्जिन में थोड़ा सा कम इंप्रूवमेंट आ चुका है, बट ओवरऑल प्रॉफिट ग्रोथ देखते हुए मुझे लग रहा है कि मंडे के सेशन में एक अच्छी थोड़ी सी उछाल देखने को जरूर मिलेगी। करंट लेवल्स पे हम समझते हैं कि एक काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। अगर किसी को 6-12 मंथ्स का नजरिया लेना है तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी अट्रैक्टिवली प्राइस्ड अभी करंट लेवल पे इन्फोसिस है। ओके, तो इन्फोसिस के नतीजे, उसके अलावा नतीजों का सीजन है, सोमवार को विप्रो के नतीजे और फिर डीमार्ट के नतीजे आएंगे इस पूरे वीकेंड पर, एक एक करके सबका हम व्यू लेंगे। देवांशी का रुख कर लेते हैं क्योंकि सबसे पहले यहां पर एवेन्यू सुपरमार्ट के नतीजे कैसे रह सकते हैं बताने के लिए हमारे साथ देवांशी। देवांशी बताएं। बिल्कुल, आप देखिए एवेन्यू सुपरमार्ट्स इस तिमाही में अच्छे नंबर्स आने की उम्मीद जरूर लगाई जा रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो आय है करीब 19% से लेकर 20% तक बढ़ते हुए दिख सकते हैं और साथ ही जो कामकाजी मुनाफा है वो करीब 20-22% तक बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। मार्जिन इस बार बहुत ज्यादा बढ़ते हुए नहीं दिखेंगे क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा थी, डिस्काउंट्स काफी दिए थे इस जो स्टोर थे उसमें, और स्पेशली आप देखिए जो पिछले दो महीने रहे हैं नवंबर और दिसंबर वहां पे फेस्टिव सेल्स थे और इसके चलते काफी ज्यादा डिस्काउंट्स थे, तो 8.5% तक के मार्जिन्स आने की उम्मीद है 8.3% के सामने और जो मुनाफा है वो करीब 40% से ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। मैं आपको बता दूं इस तिमाही में नए जो स्टोर्स ऐड होते हुए दिखेंगे करीब 6-7 होने की उम्मीद है और साथ ही ट्रिपल एसजी ग्रोथ जो है वो 10% आने की उम्मीद है, तो काफी अच्छे नंबर्स की उम्मीद लगाई जा रही है। केवल मार्जिन पर नजर रहेगी किस तरह से मार्जिन आते हैं और साथ ही डिस्काउंट का ट्रेंड क्या रहता है उस पर भी नजर रहेगी क्योंकि डिस्काउंट काफी ज्यादा थे। जी अविनाश जी, आपने ये रिव्यू देखा, इनफैक्ट नतीजा का अनुमान आपने देखा है, क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए वीकेंड पर जो डीमार्ट के नतीजे आ रहे हैं उसके बाद? नहीं, मुझे लग रहा है कि डीमार्ट में नंबर्स तो डेफिनेटली काफी स्ट्रांग आएंगे, ऑलमोस्ट 40% का ग्रोथ बॉटम लाइन में तीसरे तिमाही में आएगा और हम समझते हैं कि आने वाले महीनों में कंपनी अपना मार्जिन कैसे इंप्रूव करेगी और डिस्काउंटिंग कैसे कंट्रोल करेगी वहीं पे सबकी नजर रहेंगी। ओवरऑल हमको लग रहा है कि जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसका कम से कम 20-22% का जो रन रेट है वो कंपनी आने वाले क्वार्टर्स में भी मेंटेन करेगी, तो कोई भी गिरावट अगर आती है तो इस शेयर को एक्यूमुलेट करना चाहिए। हालांकि हम समझते हैं कि यहाँ पे एक ओएफएस आने वाला है तो मार्केट्स काफी उम्मीद लगा रहा है कि शायद ओएफएस में इस शेयर को थोड़ा सस्ता रेट पे मिले, बट ओवरऑल आई थिंक ये बाय ऑन डिक्लाइन वाला शेयर है तो इसको एक लॉन्ग टर्म नजरिए से कोई भी गिरावट में खरीदना चाहिए। लॉन्ग टर्म नजरिए से कोई भी गिरावट में खरीदारी की सलाह डीमार्ट पर जिसके नतीजे आने वाले हैं अब शनिवार को, लेकिन सोमवार को नजर रहेगी दिग्गज आईटी कंपनी विप्रो के नतीजों पर। कैसे रहेंगे नतीजे अनुमान बताने के लिए हमारे साथ है कुशल गुप्ता। कुशल बताइए क्या है अनुमान विप्रो के नतीजों को लेकर? जी,
तो विप्रो के नंबर्स से बहुत ज़्यादा फायरवर्क्स तो एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि आमतौर पर Q3 जो है वो IT कंपनियों के लिए सीजनली वीक क्वार्टर ही रहता है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ इनकी डॉलर आय की, तो वहाँ पे आपको करीब 2.5% की बढ़त देखने को मिलेगी, क्योंकि इनका जो कंज्यूमर वर्टिकल है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा अगर आप मार्जिन्स पर ध्यान दें तो वहाँ पर भी करीब 0.4% की बढ़त हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि रुपये में इस तिमाही में जो गिरावट आई है उससे इनकी मार्जिन को सहारा मिलता हुआ नजर आएगा। वहीं अगर आप मुनाफे को देखें तो वहां पर करीब 3% की गिरावट हो सकती है, क्योंकि इन्होंने जो बाईबैक की प्रोसीडिंग्स की थी सितंबर महीने में, करीब 5.5% इक्विटी जो इन्होंने बाईबैक की थी, उस वजह से कहीं ना कहीं इनकी ट्रेजरी इनकम में गिरावट आई है और उसी वजह से मुनाफे में आपको 3% की गिरावट देखने को मिल सकती है। जी शुक्रिया कुशल इस अनुमान के लिए आपका। अविनाश जी आपके पास आएंगे, सोमवार को विप्रो के नतीजे, क्या नतीजों से पहले कोई ट्रेड लिया जा सकता है? मुझे लग रहा है कि आई थिंक विप्रो में नंबर्स आने के बाद ही एक पोजीशन ली जा सकती है। ओवरऑल हमको लग रहा है कि तीसरी तिमाही एक सीजनली वीक क्वार्टर होता है और हम समझते हैं कि पूरे आईटी पैक में अगर विप्रो का परफॉर्मेंस देखे तो काफी लैक लस्टर है, तो हम समझते हैं कि रिजल्ट्स आने के बाद ही एक असेसमेंट लिया जा सकता है। बट ओवरऑल अगर पॉजिटिव कमेंट्री टेलीकॉम वर्टिकल में आती है और कोई नए क्लाइंट्स की एडिशन होती है तो ही मेरे ख्याल से मार्केट्स को इस स्टॉक में थोड़ा बहुत रीरेटिंग की पॉसिबिलिटी दिखेगी। हमारे हिसाब से जिनके पास है वो होल्ड करें, बट फ्रेश बाइंग रिजल्ट्स के बाद ही रिव्यू लिया जा सकता है। ओके, चलिए नतीजों का इंतजार, उसके बाद कोई स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है विप्रो पर। अब हमारा खास सेगमेंट मालामाल वीकली में 500 रुपए में शेयर जानने का। मालामाल वीकली सेगमेंट में 500 रुपए में शेयर इंडिया निप्पॉन दिया था और हमारे सुझाव के बाद शेयर में 16% तक का उछाल दिखा। क्या तेजी आगे भी जारी रहेगी? बताने के लिए हमारे साथ है रिसर्च एनालिस्ट आशीष चतुर्वेदी। आशीष बताएं। देखिए कंपनी ऑटो एंसिलरी सेक्टर से जुड़ी हुई है और इग्निशन इक्विपमेंट्स बनाती है। कंपनी की ग्राहक सूची काफ़ी शानदार है। आप देखिए TVS मोटर्स, हीरो, ग्रीव्स कॉटन जैसे तमाम दिग्गज इनकी ग्राहक सूची में शामिल है। अब देखिए ये स्टॉक आगे आने वाले समय में आपको बेहतरीन रिटर्न दे सकता है, क्योंकि कंपनी BS6 ट्रांजिशन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। BS6 वाले जो इक्विपमेंट्स हैं इन्होंने ऑलरेडी बनाना शुरू कर दिए। FY19 में हमने देखा था कि इनके मार्केट शेयर में करीब 1% की बढ़त देखने को मिली थी और अभी भी मैनेजमेंट का लगातार प्रयास है कि वो मार्केट शेयर में बढ़त दर्ज करें। साथ ही आप देखिए कि कंपनी का आफ्टर मार्केट सेगमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अमेरिका में आफ्टर मार्केट सेगमेंट FY19 में अगर आप देखें तो उसमें करीब 28% की ग्रोथ देखने को मिलेगी और साथ ही यूरोप और अमेरिका में कंपनी के ग्राहक हैं और ऐसा भी माना जा रहा है कि यहाँ पर भी इनके क्लाइंट एडिशन देखने को मिलेगा। कंपनी ने अपने ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को काफ़ी सुधारा है और FY16 से लेकर FY19 तक इन्होंने अपने मार्जिन में 4% की बढ़ोतरी की है और आगे भी ऐसा माना जा रहा है कि इसमें बढ़त देखने को मिलेगी। साथ ही कंपनी का मुनाफे का जो आंकड़ा है बहुत शानदार है। पिछले 5 साल में अगर आप कंपनी का मुनाफा देखें तो 21% CAGR की दर से बढ़ रहा है, यानी हर 3 साल में कंपनी का मुनाफा डबल हो रहा है। FY16 में केवल 29 करोड़ का मुनाफा था कंपनी का, FY19 के अंत तक करीब 60 करोड़ हो गया और अभी पिछले 12 महीने को देखेंगे तो 65 करोड़ के पार जाने का आंकड़ा पूरा अनुमान नजर आ रहा है। सबसे बढ़िया बात कि इस इतने अच्छे ऑपरेशनल पैरामीटर्स के बाद भी कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो सस्ते ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप बहुत छोटा है। अभी फिलहाल 910 करोड़ की कंपनी है, कंपनी के पास 300 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स है, कोई भी कर्ज नहीं है, इसलिए जो रिटर्न ऑन इक्विटी है काफी शानदार है। करीब 15-16% का रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी देती है, 32% की डिविडेंड पे आउट रेशियो है और इतना बढ़िया स्टॉक आपको 14 के मल्टीपल पर मिल रहा है। इससे यही समझ में आ रहा है कि स्टॉक में आगे भी आपको ग्रोथ के अवसर देखने को मिलेंगे। और वक्त है वायदा बाजार में ऑप्शन की किस रणनीति से सोमवार को आपको मिलेंगे कमाई के मौके ये बताने का। आज ऑप्शन की स्ट्रेटजी बताने के लिए हमारे साथ है मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी बताएं सोमवार के ऑप्शन स्ट्रेटजी के लिए कौन से ऑप्शन सुझाएंगे आप, कौन से स्टॉक सुझाएंगे आप? जी हमने यहाँ पे 2 स्टॉक सिलेक्ट किया, एक तो डिलीवरी के लिए और एक ऑप्शन के लिए। तो पहला जो स्टॉक्स रहेगा वो एशियन पेंट का रहेगा। देखिए जिस हिसाब से क्रूड में वापस थोड़ी स्टेबिलिटी आई है, क्रूड में डिक्लाइन आया है और एशियन पेंट में बॉटम बना है और ग्लोबल संकेत है थोड़े शांत हुए, लग रहा है एशियन पेंट में मूवमेंट आना चाहिए। पिछले 1760 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह और 1850 तक के हम यहाँ पे टिकट देख रहे हैं। और दूसरा जो ऑप्शन का ट्रेड रहेगा वो डाबर पे रहेगा।
अबर में अच्छा खासा बॉटम फॉर्मेशन बना है, कोलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन को निकाल रहा है और लग रहा है 3-4% का मूवमेंट इमीडिएट में बनेगा। इसके लिए डाबर में 470 की कॉल लेने की सलाह रहेगी, 4 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और हमारा मानना है कि कॉल 15 से 16 रुपए तक जाना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया चंदन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑप्शन की स्ट्रेटजी बताने के लिए। अविनाश जी अब आपके पास आएंगे, हफ्ते भर के लिए किसी को अगर खरीदारी करनी हो तो कौन सा आपका फेवरेट पिक रहेगा और लॉन्ग टर्म के लिए आप कौन सा अपना फेवरेट शेयर बताएंगे? स्वाति अगर हफ्ते भर की बात करें तो हमको L&T फाइनेंस पसंद है, हमको लग रहा है कि अगर हफ्ते भर का व्यू है तो करंट प्राइस पे खरीदना चाहिए और यहाँ पे टारगेट रहेगा 138 और स्टॉप लॉस रहेगा 116, तो ये पोजिशनल पिक रहेगा। लॉन्ग टर्म की बात करें तो हमको KEC इंटरनेशनल काफ़ी पसंद है, KEC एक वेल नोन प्लेयर है जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस में काम करता है, रेलवे इंफ्रा में काम करता है, कंपनी की काफ़ी बढ़िया ऑर्डर बुक है, करीबन 4,500 करोड़ के ऑर्डर्स है और हमको लग रहा है कि तीसरी तिमाही के नंबर्स काफ़ी जोरदार रहेंगे, करीबन 30% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है और साल भर का अगर नज़रिया ले तो हमको लग रहा है कि कम से कम 355-360 का टारगेट पॉसिबल है, तो करंट लेवल्स पर रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा बैठता है, तो ये शेयर पर डेफिनेटली निवेश का एक मौका है। तो लंबी अवधि में निवेश का जरिया रखना चाह रहे हैं तो KEC इंटरनेशनल में खरीदारी की सलाह अविनाश जी की, और हफ्ते भर की खरीदारी करना चाहते हैं तो L&T फाइनेंस में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं अविनाश जी। अब एक नजर डाल लेते हैं सोने के बंद हाजिर भाव पर। हाजिर में 24 कैरेट सोने का भाव 39,601 रुपए, 22 कैरेट सोने का भाव 36,420 रुपए और 18 कैरेट सोने का भाव 29,820 रुपए शाम के सत्र के लिए है। ये सोने का हाजिर भाव इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन का है, इस भाव में 3% GST शामिल नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आज के इस शो में और हमारे तमाम रिसर्च एनालिस्ट का हम तक रिसर्च पहुंचाने के लिए। तो आज के शो में बस इतना ही।